नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू था, मैं हिंदू रहूंगा, लेकिन मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। कई मौके पर जब मैं चर्च भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गुरुद्वारे भी जाता हूं, दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा करते हैं, क्योंकि हम सबका पहला धर्म हमारा भारतीय है। भारत, हम पहले भारतीय हैं, और भारतीय होना ना तो सांप्रदायिक है ना ही धर्म निरपेक्ष। तो सुन लो, चीन के चमचो, चीन के चप्पल उठाने वालों, सुन लो, तुम दुश्मन लेकर हिंदुस्तान आओगे, लेकिन हमारी हस्ती नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि हमारी सरहद पर सूरवीर खड़े हैं, चीन के चापलूस नहीं। और चीन के चमचो, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाओ या निकलो देश से बाहर। भारत माता की जय। जय जयकारा, जय जयकारा। फकर फकर यूसुफ जाई, आवाज आ रही है? क्या हो गया? पाकिस्तानियों की लाइन खराब हो गई, गला खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया? पहले फकर फकर, अरे फकर मेरी बात सुनो, तुम लोग ठीक से बात भी नहीं करते। तुम पाकिस्तानी डरे हुए हो, तुम्हारी देश डरी हुई है। देखो, तुम बिगड़े हुए बेटे हो, हम तुम्हारे बाप। अगर बिगड़ा हुआ बेटा बाप से माफी मांग ले तो उसे माफ किया जाता है। तुमने अपनी गलती मान ली, अब हम तुम्हें थोड़ी दिनों के लिए नहीं मारेंगे, मगर गड़बड़ करोगे ना फिर से पकड़ के मारेंगे। मैं एक बात कह दूं इनको, देखो कमर, कि पाकिस्तानी, जितने पाकिस्तानी मेरे प्रोग्राम पर है और जितने पाकिस्तानी मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान। आपको मैं थोड़ा ज्ञान, आपका ज्ञान वर्धन कर दूं, ज्ञान वर्धन कमर, ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ, शुद्ध हिंदी है, समझ नहीं पाओगे तुम। एकदम चुपचाप आप सुनिए मेरी बात। देख बात, ये अभी तो ईओके को भारत का बताया है, कल मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, आपको बलूचिस्तान को बलोच भाइयों का बताओगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ आतंकियों के 5 अड्डे बाकी हैं, ठीक है ना, उसी में तुम सब रहना, मातम बनाना। आपको देख के मुझे लग रहा है कि पीपल के पेड़ के एक पत्ते हो तुम। हाँ, पीपल के पेड़ के एक पत्ते हो तुम, झोंके में उड़ जाओगे। पीओके पर एक्शन की बात कही तो पीओके का पीएम अपने सरदार इमरान के पास गया और बोला, सरदार साहब मुझे बचा, मैंने आपका नमक खाया। इमरान खान ने कहा, मेरा नमक खाया है तो अब इंडिया की गोली खा। राजा फैजल के पसीने आ रहे हैं। रुमाल भेज दूं आपको? रुमाल भेज दूं? लॉकडाउन के बाद रुमाल भेज दूंगा आपको, एक गिलास ठंडी पानी भी भेज दूंगा आपको मैं। अब राजा फैजल को हम सिखाएंगे। राजा फैजल सुनो, राजा फैजल सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये है, सुनिए। अच्छा, मेरी भी सुन लेना, मैं आपकी काफी देर से सुन रहा हूँ, आप भी मेरी सुन। मगर पाकिस्तानी की तरह बात मत करना, गले में ठहराव रखो, चूहे की तरह मेरे सामने बात मत करो। पाकिस्तानी हो, चूहे हो, मगर चूहे की तरह बोलने की कोशिश मत करना। इमरान खान एक फ्यूज बल्ब है। भारत में जब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं, और पाकिस्तान में फ्यूज बल्ब को प्रधानमंत्री बना देते हैं। गौरव गौरव, इससे बिल्ली के दांत नहीं गिने जाते हैं, चलाए शेर के मुंह में हाथ डालने। अरे बेटा, ये बदतमीज हरकत है, कहीं और करो। अरे बदतमीज हरकत है, कहीं और करो, अपने बाप के सामने मत करना। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कह रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि बच्चे को दादा ने पूछता है आप लोग कह रहे हैं, एक मिनट, इनामुन नबी जी आपसे बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन का, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। पूछता है भारत कब तक आप इसी तरह चिल्लाते रहेंगे? अबे साले, पूछता है भारत कब आप इस पर रोक लगाएंगे, मारदाट पर? मैं जवाब देता हूँ, उनकी हजामत करूंगा ना मैं, अब रुक जाइए। भारत कब तक यहाँ पर फौजियों को, सिविलियंस को? नबी साहब, मैं जवाब देता हूँ। भारत कब तक हमें बर्बादी देखनी है? पूछता है, मैं जवाब देता हूँ। बढ़ते रहेंगे। पूछता है भारत कब तक यहाँ से फौजियों की लाशें जाएंगी? मैं बोलूंगा। पूछता है भारत, आखिर आप मेरे प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो? रोकने के लिए मेरे प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो? जरूरत नहीं है मेरे प्रोग्राम की एडवर्टाइजिंग की। नाम नबी, मेरी बात सुनो, और सवाल जब मुझे किया है तो मेरे जवाब को भी ले लो, हिम्मत रखो, मेरे जवाब को सुनने की हिम्मत रखो। पाकिस्तान मेरे बात सुनो, रावलपिंडी के चमचे
मेरी बात सुनो। अरे अरे इस्लामाबाद के चाटुकार मेरी बात सुनो। अरे आईएसआई के भक्त मेरी बात सुनो। अरे बेशरम राष्ट्र विरोधी मेरी बात सुनो। अरे गद्दार कहीं के इनाम नबी मेरी बात सुनो। अरे रुको, साइकिल चोर की तरह बात मत करो, चप्पल चोर की तरह बात मत करो, चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे बात सुनो साइकिल चोर। ये इनामुल नबी की तबीयत खराब हो गई है, इनको वर्बल डायरिया हो गया है, इनको दवाई दीजिए, इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। पाकिस्तान के जो इनके आका है, जो 100, 200, 1000, 1500, 70 रुपए इन लोगों की तरफ फेंकते हैं और इनको बोलते हैं जा बिस्किट के जरिए जैसे देते हैं, जाओ खाओ बिस्किट। और इनाम जब नबी जाके जाके फर्श से उठाकर उसको खाता है, मैं उल्टा जवाब देने वाला आदमी सुनाता रहूंगा 50 सवाल करूंगा और ये सवाल करूंगा। वॉल्यूम डाउन, सवाल सुननी पड़ेगी। अरे बेटा अब सवाल सुनो बेटा, आवाज कम, अपनी गति कम करो। पूछता है भारत, बोल डरपोक, बोलो। पूछता है भारत, ये तो बंद हो गया, इसकी इंजन बंद हो गई, इंजन बंद हो गई। उमर अल्ताफ जी, आखिरी बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ। सुनिए, सुन लीजिए, क्या बात है, गुस्से में क्यों है, टिड्डी की बिरयानी नहीं मिली क्या आज? बात सुनिए। गौरव आर्या, ये जावेद गफारी यही है ना, मुझे एक बार फिर लोग पूछ रहे हैं। नहीं, जिसको आपने खरगोश कहा, लोग कह रहे हैं यही वो है क्या, कि जो बहुत भोगते रहते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यही है क्या? औकात नहीं है पाकिस्तानियों की? ऐ टिड्डी खाने वाले, मेरे से ठीक से बात करो। आपकी मैं इज्जत कर रहा हूं। आपके देश में कराची में टिड्डी शोरबा, मटका टिड्डी और कढ़ाई टिड्डी क्यों बिक रही है? बेशरम कहीं के, ऐसे बेशरम टिड्डी खाने वाले पाकिस्तानी, जहाँ पे कढ़ाई टिड्डी बनाते हो आप लोग, आपने भारत के बारे में ट्वीट क्यों किया? चीन और भारत के बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाई? तोड़ दे इनकी टांग, गलौटी कबाब बना देंगे आपकी। मेरी बात सुनो, भारत और चीन के बीच में मत आना, आज जल जाएगा।